नर्मदे हर। ये देखिए नीचे तो नर्मदा जी हैं और ये पहाड़ी पर बताते हैं त्यागी जी का आश्रम है, ब्रह्मचारी जी का। तो आइए चलते हैं ब्रह्मचारी जी के, करते हैं दर्शन। काफ़ी सीढ़ियां हैं, काफ़ी सीढ़ियां चढ़ के। मंदिर तो बहुत सुंदर लग रहा है, शिखर मंदिर का अच्छा लग रहा है। और ये देखिए इधर नर्मदा जी के दर्शन हो रहे होंगे जी। ये चढ़ते हुए हम लोग आ गए यहाँ पर। ये छोटी सी गौशाला भी है, देखो ये गौवंश शायद महाराज जी। ये आश्रम देखे, ये बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ है। श्री नर्मदा जयंती महोत्सव का भी देखिए लिखा है इसमें, दिन शुक्रवार 16 फरवरी 2024 माघ शुक्ल सप्तमी। ये यानी माघ शुक्ल सप्तमी को नर्मदा जी। ये देखिए आश्रम, यहाँ महाराज जी अभी आएंगे, यहाँ विराजमान होंगे, और अगर उनकी इच्छा होगी तो उनसे थोड़ा सा सत्संग हो सकेगा। और फिलहाल तो हम देखिए यहाँ से करेंगे नर्मदा जी के दर्शन। ये कैमरा मैंने इसीलिए ऑन किया कि यहाँ से देखिए नर्मदा जी के दर्शन। ये देखिए कितने सुंदर, वाह, नर्मदे हर, बहुत ही सुंदर नर्मदे हर। कितना सुंदर शुरू, आगे वो पुल बन रहा है देखिए, निर्माणाधीन है पुल, शायद वीडियो में दिख रहा हो बीच का ऐसा टूटा हुआ सा लग रहा है, टूटा हुआ नहीं, वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। नर्मदे हर। ये देश श्री श्री 1008 श्री सदगुरु करुणा मूर्ति श्री विश्वनाथ प्रकाश ब्रह्मचारी जी महाराज, जन्म दिनांक 13 अक्टूबर 1915, संवत 1972 सके 1837 बुधवार कर्नाटक प्रांत में जन्म हुआ। ब्रह्मलीन हुए हैं 19 नवंबर 1985 में गोपाष्टमी वाले दिन। चिन्मय धाम आश्रम नेमावर नर्मदा तीरे जिला देवास मध्य प्रदेश। ये देखिए आश्रम से निकलते ही ब्रह्म देवता के दर्शन। और ये देखिए पीछे माता रानी का स्वरूप, सुंदर दर्शन। ये महाराज जी का पूजन कक्ष, शयन कक्ष सब यही है। ये देखिए ये सभी उनके गुरु भगवान जो रहे हैं उनके सभी के चित्र हैं। और जी नर्मदे हर प्रभु। हाँ नर्मदे हर जी भगवान। यहाँ पर ये चित्र जो लगे हुए हैं काफी, तो ये चित्र इस आश्रम पे जो साधु सन्यासी रहे हैं उनके हैं या आपके गुरुदेव या गुरु दादा के? ये सभी वो आश्रम का ही पहले से आए हुए हैं जी। ये महाराज जी जो है विश्वनाथ प्रकाश ब्रह्मचारी जी महाराज। अच्छा, इन्होंने आश्रम शुरू किया पहला। अच्छा, इन्होंने आश्रम शुरू किया, आश्रम पहला इन्होंने शुरू किया जी। वो भी इनका महत्व जी, मुझे विशेषता ये है कि इन्होंने जब कर्नाटक से इधर आया था जी, नीचे जो सिद्धनाथ मंदिर है जी, उसी में 30-40 वर्ष रह गया। 40 वर्ष? हाँ 40 वर्ष नीचे रहे। इतना उसी वक्त लाइट नहीं था, फैन नहीं था, ऐसे स्थिति में नीचे एक मारुति मंदिर है। हाँ, मारुति मंदिर में छोटा सा कमरा है, उसी में
महाराज 12 वर्ष सूर्य नहीं देखा था, 12 वर्ष तक सूर्य नहीं देखा, 12 वर्ष सूर्य नहीं देखा जी। जैसे सुबह 4 बजे उठते थे जी। और ये मणिगिर पर्वत है, इसका मणिगिर पर्वत का परिक्रम करना और नर्मदा स्नान करके अंदर जाके बैठ गया, फिर सूर्य अस्त होने के बाद भी बाहर आ जाते थे। अच्छा। ऐसे महाराज 12 वर्ष किया जी। बाद में ये आश्रम बांध के दे दिया भक्त लोगों ने, महाराज यही आ गया। और इनका और एक वैशिष्ट्य, मतलब जो अभी नर्मदा जयंती जो है, महाराज ने शुरू यही से शुरू किया पहलांदा। अच्छा। हाँ, इसके पहले किसी ने नहीं किया था, मालूम नहीं था नर्मदा जयंती कैसे करना है, क्या करना है, मालूम नहीं था। अच्छा। हाँ, महाराज ने शुरू किया पहलांदा। जैसे उन्होंने स्वतः पूजा लिखा और दूध का अभिषेक करना और हलवा का प्रसाद रहना, वो भी प्रसाद प्रमाणबद्ध, कितना शक्कर, कितना दूध, कितना घी, सब प्रमाणबद्ध से महाराज पहला शुरू किया इधर से। अच्छा। बाद में अभी सब कड़े वैभव युक्त हो रहे हैं, अभी सब करने लगे, सभी कड़े चल रहे हैं, परंतु अभी जैसे महाराज बता दिया उससे प्रमाण में अभी चल रहे इधर। अच्छा, महाराज इसके 85 में महाराज शांत हुआ। 85 से महाराज ये घनश्याम जी महाराज, अच्छा, ये सांगली का महाराष्ट्र का संत थे जी जी, इन्होंने आश्रम को संभाला। अच्छा, जी महाराज का तंतोतंत उन्होंने पालन किया जी। इसके बाद महाराज जी ये सीए थे जी। हाँ, महाराज जी 13 में शांत हुआ। अच्छा। हम कर्नाटका है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। अच्छा अच्छा अच्छा। परंतु उनका कोई ये नहीं था। अच्छा। ऐसे महाराज जैसे एकांत प्रिय था, वैसे ये भी महाराज एकांत प्रिय थे। अच्छा अच्छा। कितना लोगों का संपर्क नहीं और कितना व्यवहार में नहीं, ज्यादा नहीं पड़े जी जी। अब हम 13 में आ गए हैं। अच्छा। हमने थोड़ा वो आश्रम का सुधारना ये हमने किया है। 2013 में आप आए हैं। हाँ, आप भी कर्नाटक से हैं। हम कर्नाटक के हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए क्योंकि ये नर्मदा जो नाभि स्थान है, इसका विशेषता कि है कि पहला नर्मदा जो है इतना, मतलब पुण्य स्थल है कि इसको फक्त नर्मदा देखने से 7 जन्म का ये हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। इसलिए जो साधक इधर आएगा और 3 साल 3 महीना 13 दिन का जो परिक्रम करेगा वो साधक सिद्ध हो जाता है। इसलिए कि इधर कित्येक साल से महात्मा लोग, संत लोग और परशुराम जी का अवतार ही हुआ है और दत्तात्रेय का अवतार ही है, वामन का अवतार ही हुआ है और राम, लक्ष्मण, सीता और कृष्ण भी आके गया है। सब देवता लोग जो है इधर आके गए है। इंद्रजीत तपश्चर्य किया, रावण जी भी आके गए होगा। अच्छा, अच्छा। मतलब जो भी संत लोग है। हाँ, सभी आके गए हैं। इसलिए है। इतना पुण्यवान ये परिसर है, जो भी इसमें आ जाएगा वो प्रपंच से विमुख होके अध्यात्म में प्रवेश कर देते हैं। ऐसे ये नर्मदा का ये प्रभाव है, जो भी साधक, इसलिए उनको जो मन का इच्छा है तुरंत इधर पूर्ण हो जाता है इच्छा। नर्मदा मैया का सब देवता वर दिया है, जो आदमी का जो ये दुख है उसको परिहार करना है। इसलिए नर्मदा वहीं से वहां के समुद्र तक जो स्थिति है उनका, जो भी उसमें ये करेगा, पूजा अर्चन प्रार्थना करेगा, उनका मन कामना सिद्धि हो जाता है। ऐसे इधर भी जैन लोगों का भी बड़ा ये है, वो भी विद्या नहीं ना। हाँ हाँ हाँ। वो भी कर्नाटक का संत है। अच्छा अच्छा। ये जैन मंदिर है जो पीछे। हाँ हाँ। उसमें भी कर्नाटक के ही संत है। अच्छा, वो भी जैन कर्नाटक ही है। उनका भी बड़ा, मतलब ये है, सब धर्म का इधर जो है नाभि स्थान होने से सब धर्म का सम्मेलन इधर है। कोई ऐसे नहीं कि नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, सबका भी सम्मान इधर हो जाता है। नर्मदा पे तट पे जो भी आएगा उनका बालक जैसे सभी का माता जी प्रेम उनका ऊपर करते हैं, ऐसे ये हमारा आश्रम जो है ये पहले से ही इनका इसमें से जो चल रहे अध्यात्म सृष्टि में जो भी इधर आते हैं सभी का, बेंगलुरु से आते हैं, कर्नाटक, मुंबई से, पुणे से, महाराष्ट्र से आते हैं, सब लोग परिक्रमवासी का भोजन का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था सभी इधर है। इसलिए सब लोग आते जाते हैं, इनका नर्मदा का देखने से प्रसन्नता ये स्थान का वैशिष्ट है। जो भी आते हैं उनका मन में थोड़ा शांति और थोड़ा समाधान इधर मिल जाता है। महाराज का तपश्चर्य का जो स्थल है इसमें जो भी प्रवेश करेगा, नर्मदा का तो है इसमें विशेषता, इनका भी करुणामय महाराज का भी जी, है। इसलिए गोंदावली महाराज कर ऐसे करके एक संत हुआ,
वो महाराष्ट्र का उधर जी। उधर अच्छा ये हाँ जी हरदा में उनका राम मंदिर, महाराष्ट्र में इधर मध्य प्रदेश में पास राम मंदिर स्थापना किया है। अच्छा उज्जैन में, इंदौर में, हरदा में जी, मंडलेश्वर में जी, और मंसूर ऐसे स्थान है। अच्छा उधर अच्छा ऐसे पास मंदिर महाराज ने स्थापना किया राम मंदिर का। अच्छा अच्छा उनको भी बड़ा अध्यात्म का ये था, इसलिए जो भी संत महात्मा आ जाता है ये हमारा उनका भक्त लोग, इनको रहने का भोजन का व्यवस्था इधर है। प्रभु आपका शुभ नाम? मेरा विठल रामदास जी, विठल रामदास महाराज जी बोलते हैं। अच्छा 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 तो मतलब प्रभु संत जीवन में कब से आ गए आप? ऐसे हमने महाराज जी जो ब्रह्म चैतन्य महाराज जी, जी, जी उनका गोंदावले है महाराष्ट्र का, उन्होंने कर्नाटक में आया था उसी वक्त उन्होंने पादुका स्थापना किया था हब्बली धारवाड़ धारवाड़ हुबली के पास हब्बली ऐसे गांव है जी, जी। वो गांव में महाराज जी ने पादुका स्थापना किया था। हमारा बड़े भाई उनका शिष्य था जी महाराज का। अच्छा उनसे प्रभावित होके हम भी 86 में हाँ हमारा 62 हमारा जन्म ये है। अच्छा, 62 जी। हमने 85 में 86 में घर छोड़ के पहला गोंदावली गए थे। अच्छा अच्छा तब बाद में 90 में हम इधर आ गया जी, महाराज जी थे महाराज जी। अच्छा अच्छा 90 में हमने परिक्रम किया, अभी तक 90 से शुरू करके पास पैदल किया जी, इसके बाद गाड़ी से शुरू हो गया महाराज के साथ शुरू कर दिया जी। अभी हम स्वतंत्र भी कोई आएगा उनको लेके जाते हैं। अच्छा, अभी तक 16 परिक्रम किया है, 16 परिक्रमा कर चुके हैं, कर चुके हैं। अच्छा जी धन्य प्रभु, ऐसे नर्मदा पांच आपने परिक्रमा पैदल की है, पैदल पांच किए हैं, पांच किया 90 से शुरू किया हमने, 90, 95, 97 जी, जी, दो हजार पांच में। अच्छा, अच्छा, पांच परिक्रम पैदल किया, इसके बाद जो गाड़ी से हो गया अभी तक 16 परिक्रम किया। ये नर्मदा जी का ऐसे हमारे ऊपर एक कृपा है, हमने चाहते थे कर्नाटक में रहने के, परंतु जब हमने परिक्रम किया इधर का जो प्रभाव हमारे ऊपर हो गया, फिर हमको खींचने लगे इधर, नर्मदा मैया स्वतः हमको खींच के लेके आ गए इधर, ये हमारा योग्यता नहीं है, फिर भी ये संभालने का उनको हमको मौका दे दिया है। कितना हमसे हाथ से कितना सेवा हो जाए, इतना हम करते रहेंगे परिक्रमा शिवों का सेवा, साधु संत लोगों का। ये तो हम देख रहे हैं प्रभु की काफी जो भी परिक्रमा वासी आते हैं बड़ा ख्याल रखते हैं आप, जैसे कल देखिए आए थे कुछ सर्दी थी तो आपने उनको रूम दे दिया, वैसे खुले में रुकते हैं सब परिक्रमा वासी। उनको मतलब व्यवस्था कर रहे हैं धीरे धीरे, पहला इतना नहीं था महाराज का इसमें से, क्योंकि एकांत में रहते थे ज्यादा महाराज बाहर जी जी, इसमें ज्यादा ये नहीं किया था हमने। अभी परिस्थिति के अनुसार जो लोग आने लगे तो उनको कुछ व्यवस्था करना पड़ता है इसी हिसाब से। इसकी प्रभु व्यवस्थाएं क्या, जमीन अमीन है आश्रम से? कुछ नहीं, राम भरोसा, जो दक्षिणी इसमें रखेगा, ट्रस्ट भी नहीं है। अच्छा अच्छा ट्रस्ट भी नहीं है, हम अकेला ही इसको सब देखना पड़ता है। अच्छा तो जो महाराज के सामने रखेगा उसी से हम कर रहे हैं। अच्छा, हम भी ऐसे नियम से है जितना हो इतने में। अच्छा इसलिए तुकाराम महाराज का एक ये है वाक्य है, ठेविले अनंते तैसे रहावे चित्ती असो द्यावे समाधान, जो है राखी राखी राम, ऐसे आप हिंदी में बोलते ना। हाँ जय विद राखे राम ताई विद रही रही, ऐसे है ना, ऐसे हम जो स्थिति जितना है उतना भी हम ज्यादा करना नहीं चाहते हैं, जितना हो उतना, जितना महाराज उनका भगवान हमको कितना देते हैं उसी में, उसी में सब मिल के सभी को समाधान हो जाए, ऐसे ये भाव से हमने कार्य कर रहे इधर, इस भाव से रहे है। नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा मैं प्रभु आपसे मिल करके, और आश्रम की व्यवस्थाएं देख करके बहुत अच्छा लगा। तो चल रहे हैं महाराज, हमने और एक उदाहरण बोल के आपको बता देता हूँ इधर स्थान का महत्व क्या है जी। हमने जब हमको इधर बेटा दिया तब इधर कुछ नहीं था। अच्छा, हमने ये भी नहीं पूछा था कितना पैसा है, कितना व्यवस्था कर क्या करना है, हमको कुछ भी मालूम नहीं था जी। इधर महाराज जी एकदम 13 में महाराज जी शांत हो गया, लोगों ने हमको बोला आप पहले से आ रहे हैं, आप बैठ जाओ, आप देख लेना, ऐसे बोल दिया। हमने ठीक है बोल दिया, फिर भी हमको ये मालूम नहीं था पैसा कितना है क्या है, महाराज पैसे ज्यादा रखे नहीं थे, वो भी ऐसे महाराज जी एक पैसे नहीं लेते थे किसी का। अच्छा अच्छा एक दिन इनको सामने 1,00,000 रख दिया तो बाहर का बाहर खर्च करके महाराज जी खाली हो गए थे। अच्छा ऐसे स्थिति था जी।
फिर हमने देखा तो अंदर जाके देखा, 1 महीना 2 महीने में हमको मालूम हो गया कि खर्च ज्यादा है, आदाय कुछ नहीं है, जी कोई रखने वाला नहीं। इधर तो अमाश में 1,000 लोग आ जाता है, जी परंतु जी तो अभी तक 1,000 रुपये नहीं हुआ है। नहीं हुआ जी हाँ, क्योंकि 1 रुपया रखना है तो 10 आदमी हाथ लगाते हैं, रख जी देते हैं। जी जी ऐसे परिस्थिति पहले से है, अच्छा जी परंतु महाराज लेते नहीं थे, इसलिए अभी उनका देने का ही नहीं। अब इसमें नर्मदा जयंती में लोग देते हैं, जी उसका हो जाता है। परंतु तो हम जब आए हमको घबराहट हो गई, ये खर्च इतना खर्च कैसे, हम तो प्रवचन नहीं करते, कहा बाहर भागवत रामायण ऐसे हमको कुछ नहीं करते, हम जी किसी का 1 नया पैसे भी नहीं मांगते। जो जी राम भरोसा, राम जी जो देगा, भगवान जो हमारे इच्छा में जितना रखा है उतना जी आ जाता है, इस विश्वास पे हम रहे हैं। इसलिए हम किसी को ये नहीं किया। फिर एक दिन पूजा करते वक्त हमारे मन में आ गया, जी हमारा खर्च महीने में साधारण 15,000 आ जाता है, जी लाइट बिल, दुकान का, किराने का, ये सामान वो सामान ऐसे करके जी आ जाता है। हमको 15,000 महीने में आने जैसे हो गए तो हम निश्चिंत से रह सकते हैं। जी ऐसे पूजा करते वक्त हमारे मन में अंदर आ गया। जी फिर इतने होने के बाद हम भूल गया। फिर 4-5 दिन में क्या होने लगे, 500 रुपये आने लगे। हाँ, अच्छा, ये महाराज के सामने 500 आज नए यहाँ आए पर तो 500 रुपये आने लगे आने हैं, लगे। यानी 15,000 की व्यवस्था हो गई। मतलब नहीं, एक दिन जी नए आए तो दूसरा दिन 1,000 आ जाते थे, अच्छा, ऐसे होने लगे। जी फिर हमने 4-5 महीने देखा 15,000 15,000 महीने होने लगे। जी फिर जी हमारा मन भी थोड़ा लोभ हो जी गया कि हमने मांगने में कमी मांग लिया, अच्छा, 1,000 मांग दिया तो महाराज वही दे देते दे जी दे, जी ऐसे। परंतु अभी तक पैसे का कमी नहीं हुआ है, जी जी जो आते रहे हाँ जाओ तो बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा हाँ, अच्छा इसमें कोई कमी नहीं है जी हमारा। मतलब हम टेंशन लेने जैसे, हम अकेला सब देखते भी, वो भी जी जो जी भी खर्च होता है, होता कार्यक्रम होता है, महाराज की पुण्यतिथि, उन महाराज की पुण्यतिथि, जी ऐसे रामनवमी, सभी उत्सव व्यवस्थित हो जा रहे हैं जी और खर्च भी होता है। परंतु तो हम टेंशन में ऐसे कुछ भी टेंशन नहीं लिया कि आप आते हैं जाते हैं, जी इसलिए हमारा कोई नहीं, महाराज हमको अगति अवस्थिर रखा है। प्रभु, 15,000 से ज्यादा हो जाते होंगे, परिक्रमावासी आ जाते हैं, इनकी हाँ, सबकी सेवा करना, भोजन देना, तो 15,000 से ज्यादा खर्चा आ जाता होगा। नहीं अभी ज्यादा भी आने लगे ना, अच्छा, अभी लोग भी बढ़ गया है, जी, महाराष्ट्र लोग आते हैं अच्छा, करने। पहले पहले हाँ नहीं पहले आते तो थे। हम जैसे आए थे हाँ 13 हाँ में, जी जी हमारे मन में आया था जी जब जी 13 में, जी जी अभी तो खूब बढ़ गया है। अब अभी तो ऐसे कोई आ गए तो हमारे भक्त लोग उधर से आ गए तो जी जी 10-10 हज़ार रख सकते हैं, जी जी ऐसे नहीं अभी। नहीं, अब आश्रम का खर्चा भी तो बढ़ गया, मैं हाँ बढ़ समझता हूँ गया, कम से कम अभी 50,000 इतना रुपये महीने का पंद्रह कम से कम। बीस हम आदमी इधर रहते हैं, जी सतत जी रहने जी वाला है जी आश्रम जी में, कायम रहने वाला, साधु संत महात्मा चातुर्मास करते हैं, 4-5 लोग इधर साधु जी जी महात्मा, जी जी ऐसे खर्च भी है। हाँ और गाय है, गो रक्षणा का ये है, जी जी हमारे ब्रह्मचैतन्य महाराज का 4 तत्व था जी वो उधर का। जी उनका 4 तत्व है, हम्म, उसमें पहला है अन्नदान। अच्छा, हाँ जो भी आ जाए उनको हम्म, अन्नदान करना, जी क्योंकि पैसे से कितनी पैसे दिया तो समाधान नहीं होते, उनको जी भोजन दे दिया ना वो तृप्त हो जाता है, जी इसलिए महाराज बोले दान में श्रेष्ठ है अन्नदान। जी और दूसरा है सगुण उपासना, जी सबको लेके उपासना करना, जी ऐसे मूर्ति उपासना करना, जी सब मतलब मूर्ति उपासना। हाँ अब जी हम आरती करते, भजन करते हैं, सुबह प्रभाती हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, ऐसे सभी जो करते हैं जी ये सगुण उपासना, ऐसे करने को महाराज बोल दिया था। महाराज ऐसे सगुण उपासना किया, उनको गोंदावली में राम जी का मूर्ति है, वो जी मूर्ति से पत्थर का मूर्ति है, वो जी मूर्ति से 3 बार अश्रुपात हुआ। अच्छा जी, कहाँ पर हाँ, है मूर्ति? गोंदावली में है, गोंदावली में, अच्छा आपको अच्छा मूर्ति दिखाता हूँ। जी ये ऐसे वो क्या है, इतना सगुण उपासना करना मतलब ऐसे करना चाहिए, महाराज दिखाया जी जी उपासना करना मतलब ऐसे करना चाहिए कि मूर्ति में ये आ जाए, ये अच्छा ये बीच वाले, अच्छा हाँ, वो ये राम जी है ऊपर ऊपर, हाँ ये हाँ, राम जी, राम जी इनका इनका आंखों से 3 बार पानी आ गया। अच्छा, महाराज बोलते थे कोई आ गए तो महाराज बोल देते थे पहला मेरा राम खड़े है, उनको नमस्कार करके आई जी। हाँ बारह जी एक बार आश्रम से
गोंदावली में आश्रम छोड़ के मैं नई विशारण जाऊंगा ऐसे बोला। फिर अच्छा। मैं टांगा में बैठ के चले, घोड़े का टांगा रहते ना जी जी घोड़े का, उसमें बैठ के चलने लगे। जी तब किसी ने एक व्यक्ति वो राम जी का सामने भजन करके खड़े हो गया था, उन्होंने सर देखा राम जी का अश्रुपात हो रहे थे, जी मतलब पानी आ रहे थे। उन्होंने घबरा के एकदम महाराज के पीछे दौड़ा, महाराज जी राम जी का आंखों से पानी आ रहे। फिर महाराज ठीक है क्या हुआ ऐसे करके महाराज वापस आ गया। आके फिर महाराज एक वस्त्र ले लिया, राम जी का आंखों पानी, पूछते पूछते पूछा मैं जा रहा हूँ इसलिए आपको दुख होता है तो मैं जाके क्या करो, मैं यही रहता हूँ जी, ऐसे करके महाराज राम जी को समाधान किया। अच्छा, भगवान राम जी के आंखों से पानी आ गया था। जब ये जा रहे थे यानी ऐसे से राम जी को दुख हुआ था, गुरु जी कितनी भक्ति थी। और एक बार राम महाराज को प्लेग आ गया था जी, प्लेग आके उन्होंने इधर सब ये हो गया था जी, गाठी हो गया। अच्छा अच्छा फिर श्वास लेने में तकलीफ हो रहे थे। ऐसे ऐसे समय में महाराज जी अंदर कमरे में सो गए थे जी, फिर इधर किसी ने राम जी को देखा तो उनको पानी आ रहे थे, तब भी पानी आ रहा था। फिर वो जाके महाराज बोल दिया, महाराज पानी है, राम जी का आंखों में पानी आ रहे। फिर महाराज उठ के आ गया, फिर उन्होंने सोला ने ये करके फिर वस्त्र लेके राम जी का आंखों पानी पोछा। हाँ, पानी ये करके बोला मुझे तकलीफ हो रही है इसलिए आपको दुख होता है, तो इस शरीर है प्रारब्ध से होता है, इसलिए कोई आप चिंता मत करना है तो ठीक हो जाएगा, आप ये समाधान से रहना, ऐसे करके राम जी को फिर महाराज ने बोला है। फिर तीसरा बार उनको मतलब शांत होने का समय आ गया था, समाधि लेने का समय आ गया था, उसी वक्त भी आ गया। अच्छा। हाँ, फिर महाराज उनके महाराज राम जी को बोला मैं अब जा रहा हूँ इसलिए आपको दुख होता है, तो मैं कहाँ जाता हूँ, आपके पास आ रहा हूँ जी, अभी आपके पास है जी जी, फिर मैं आपके पास ही आ रहा हूँ इसलिए दुख क्यों जी, ऐसे करके राम जी को समाधान। ऐसे तीन बार गोंदावली में अश्रुपात हुआ था, ऐसे सगुण उपासना महाराज जी किया जी। इसके बाद गो रक्षणा महाराज के पास 400-500 गो था जी। फिर गो रक्षणा उन्होंने ऐसे काटने गो काट के कट करने वाला रहते ना कसाई वाला, उनसे पैसे दे के खरीदी करते लेके आ जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी 100 साल पहले कसाईयों से खरीद लेते थे। हाँ, खरीद लेते थे जी जी। हाँ, एक बार महाराज से ये लोग पूछा आप अभी सभी ऐसे करने लगे तो हमारा धंधा कैसे होगा, जी हम जी। क्या कर रहे, कसाई बोले बोले। हाँ, कसाई लोग बोले, महाराज बोले नहीं, गाय में थोड़ा मानवीय भावना रहता है, जी जी। आप उसको छोड़ के और धंधा करो, मैं पैसा देता हूँ आप दूसरा धंधा करो। वो बोले इसमें क्या भाव रहता है, तो प्राणी है ऐसे, वो दोनों में थोड़ा वाद विवाद हो गया। फिर वो लोग बोले आप ऐसे गाय को बचाना है तो आप दूर खड़े हो जाइए, गाय को बोलना अकस्मात तो वो आपके पास आ गए तो हम छोड़ेंगे, नहीं आए तो हम लेके जाएंगे, ऐसे वो। अच्छा अच्छा, 20-30 गाय था जी। फिर महाराज ने ऐसे दूर खड़े हो गया लंबर जी, खड़े होके एक एक गाय को आ जाओ गंगा आ जाओ गौरी आ जाओ नर्मदा आ जाओ कृष्णा आ जाओ ऐसे जैसे नाम लेके सब गाय उनके सामने मतलब उनका पास दौड़ के निकल गए। फिर ये हो गया, फिर महाराज ने उनको पैसा दे दिया, ये छोड़ दो दूसरा धंधा करो, ऐसे करके उनको समाधान कर दिया। ये ऐसे गो रक्षण महाराज ने किया। और चौथा है अनुसंधान जी। महाराज बोले सतत मन जो है, मन को कुछ आहार लगता है, इसलिए वो क्या करते है? विचार करते है जी। जो हमारा नहीं है वही विचार हम करते है, इसलिए उसको जो विचार से हम दुखी होता है वो विचार छोड़ने के लिए हमको राम नाम लेना चाहिए, नाम लेना चाहिए, जो भी हो नाम लेना चाहिए। सतत नाम लेने से मन में विचार कमी हो जाता है, विचार आने इसलिए हमारा दुख कमी हो जाता है, नहीं तो बिना कारण दुखी हो जाता है। इसलिए सतत भगवंत का नाम स्मरण लेना, नहीं तो जो भी हो राम का इच्छा, जो भी हो राम का इच्छा ऐसे भी करते रहना। दे। ऐसे महाराज ने अनुसंधान का
बता दिया, मतलब हमेशा हमेशा स्मरण करते रहो भगवान का, तो बुरे विचार नहीं आएंगे। हाँ, विचार से हम दुखी हो जाता है। किसी ने बोल दिया 75% हम अंदर से दुख होता है, 25% बाहर से हो जाता है, बाहर से होता है। हाँ, हमें बाहर से जैसे सुनामी हो और प्रवाह हो, ऐसे कुछ एक्सीडेंट हो, ये बाहर से जो है इसमें 25% बाहर से दुख आता है, 75 हम अंदर से लेते हैं बिना कारण। अब 10 साल पहले किसी ने हमको कुछ बोल दिया था, वो एकदम याद हो जाता है, वो हो गए तो हमने उनको अब नहीं छोड़ेंगे, ऐसे बिना कारण उनके ऊपर गुस्सा होके दुखी हो जाता है, वो हमको कैसे क्यों बोला, ऐसे विचार करते है। ये जो है इसको भूल जाना, पीछे का विचार लेना ही नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब जो आगे जो है उसको समय हम आराम से समाधान से ये निकालना कैसे, इस पर विचार करते रहना, ये महाराज का तत्व था। जी, बहुत बहुत अच्छा भगवान, ये बहुत अच्छा ज्ञान मिला कि मना स्मरण करने से क्या फायदे होते हैं। स्मरण, सतत स्मरण करना। अभी अभी तक तो सभी ये बताते थे कि मन मन से स्मरण कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, बस यही बताते थे। ये महाराज यही बोल दिया। जी जी, जो शरीर जो है प्रारब्ध अधीन है। जी, शरीर को हम कितना भी ये करो, वो प्रारब्ध ऐसे जो होने वाला है होएगा। इसलिए मन को ये तन है, मतलब शरीर है, प्रारब्ध ऊपर छोड़ दो, मन जो है भगवान का चरणों में रख दो। किसी ने बोल दिया हमको एक ही शब्द में परमार्थ बता दो, अब तास भर हमको शाम पे घंटा भर बोल दिया ना, हमको समझ में नहीं आएगा, एक ही शब्द में बोल दो। महाराज बोल दिया राम करता सुखी है, मैं करता दुखी, मैं जो करता हूँ दुख का कारण हो जाता है, राम जो करता है वो सुख का कारण हो जाता है। इसलिए जो करता मैं, जब तक मैं करता हूँ, हमने किसी ने एक फीड दे दिया, हमने खा लिया, अच्छा है बोल ले तो तुरंत बोलेगा मैं ही लाया हूँ, मैंने लाया हूँ इसलिए अच्छा है, ऐसे ये भाव जो है इसको छोड़ना चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए, इसी से दुख हो जाता है। वो अकस्मत हमने बोला अरे कहाँ से पेड़े लाया, इतना खराब ऐसे बोल दिया तो दुख हो जाते हैं उनको। इसलिए जो मैं करता हूँ राम जी का है, और दूध कहाँ का, शक्कर कहाँ का, कुछ भी हमको मालूम नहीं रहता है, फिर भी मैंने मैं लाया, ये भाव से मैं जो है, तब तक मैं है तब तक दुख है। इसलिए हमारा जो जवाबदार है राम जी को ऊपर रख दिया ना, हम सुखी हो जाता है। जो होगा उनका इच्छा, जो होगा उनका इच्छा से वो जो होगा, जो हम इसलिए तैयार है। इसलिए बोलते हैं जो हमारी इच्छा पूर्ण नहीं करते हैं भगवान है, इसी में हमारा कल्याण है। नहीं तो सब हमारी इच्छा पूर्ण करने लगे तो हम दुखी हो जाता है, दुखी हो ये हो जाता है। इसलिए महाराज और एक उदाहरण दे दिया, एक गृहस्थ जा रहे थे, उनको गर्मी का दिन थोड़ा विश्रांति लेने का इच्छा हो गया, फिर उन्होंने एक पेड़ का नीचे सो गया, बैठ गया जी। बैठने के बाद उनको लगा उनको लगा थोड़ा पानी मिल गया तो अच्छा हो जाते थे इधर, फिर तुरंत उनका सामने एक पानी आ गया, पानी पी लिया, फिर उनका मन में आ गया थोड़ा सोने का पलंग काट हो गए तो अच्छा हो जाते थे, फिर तुरंत उनका सामने काट हो गया, उसको ऊपर सो गया, फिर उनको लगा थोड़ा खाने को मिल गए तो अच्छा हो जाते थे, फिर उनका थाली आ गया खा लिया, फिर उनको ऐसे लगा अब थोड़ा सोना चाहिए, ऐसे करके सो गया, उनको मन में विचार आ गया अरे मेरा घर का सब लोग इधर आ गए तो कितना बढ़िया हो जाते, सब लोग आ गए, सब आ गए। हाँ, फिर इतने में उनका विचार नहीं रुका। जी जी, उनका समझना चाहिए थे। हाँ, जो हो रहे है भगवान के इच्छा से हो रहे है, जी जी, अब इसमें रुकना चाहिए थे। जी जी, उनको मन में एक एकदम आ गया मैं मर गया तो लो हो गया। ऐसी हमारी इच्छा जो है बढ़ता जाता है, बढ़ता रहता है। हाँ, इसलिए हम इच्छा का हमारा भगवान हमारी इच्छा पूर्ण नहीं करते है ना, इसी में हमारा कल्याण है। जी जी, नहीं तो हम इसका एक का पीछे एक का पीछे एक लिस्ट तैयार करते रहते हैं। जी जी जी, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। हाँ, ऐसे भगवान का ये है, मनुष्य आदमी कैसे है, भगवान इतना सृष्टि निर्माण किया सबका बढ़िया है सभी है, फिर भी दुखी हो जाता है आदमी। भगवान एक बार भूमि में आ गया और पूछा, पहला एक इसको पूछ लिया, दुम्बी फूल से फूल जाते ना, फूल एक फूल से दूसरा फूल जाते ना, ऐसे दुम्बी को पूछा आप मेरा सृष्टि आपको कैसे लगता है,
वो बोले मैं तो फक्त सुगंध और माधुर्य फूल से लेता हूँ, ये तो बढ़िया है मेरे लिए, और कुछ नहीं है, ये तो मेरे लिए एकदम तृप्ति है, मैं आपका सृष्टि से तृप्त हूँ। जी फिर भगवान एक पेड़ का पास आ गया, मेरा सृष्टि आपको कैसे लगता है? वो जी तो बढ़िया है, मैंने एक इसमें से निकल गया था, एक बीज से मैंने निकल गया, इतना बड़ा हो गया, फिर हजारों फल हो जाता है, प्राणी पक्षी ये सब खा लेते हैं, फिर भी इसलिए मैं खुशी हूँ, वो जी बोल दिया। फिर एक मेंढक के पास गया, फिर उसके पूछा, भगवान मेरा सृष्टि आपको कैसे लगेगा? वो बोले आपका सृष्टि मैं क्या बताऊँ, मैं कब पहाड़ी का कहाँ नीचे का पत्थर में रहता हूँ, वही मेरे लिए पानी और आहार का व्यवस्था किया है, मैं कितना भाग्य समझता हूँ, आपका सृष्टि बढ़िया है। फिर महाराज वो भगवान ने आदमी का पास आ गया, आदमी के पास आके पूछा मेरा सृष्टि आपको कैसे लगा? उसने बोला आपको सृष्टि किसने बोला, सृष्टि करने के लिए आपको किसने बोला था? जी आदमी ने पूछा किसने किया आपको करने को? बोले क्या आपने अच्छा किया है, क्या अच्छा किया ऐसे आपको तुमको मैं आपको बताऊं? वो बोले मेरा सृष्टि में क्या हो गया आपको, ऐसे क्या हो गया? वो बोले तुमने इतना बड़ा समुद्र किया है, एक पानी भी पी सकते है क्या? तुम कभी पी के देखा है? और जी इतना पहाड़ी किया है, एक भी सुंदर है देखने जैसे है क्या? जी इसमें क्या तुम्हारे बोलना है? ऐसे उन्होंने ये हो गए तो भगवान ने घबरा गए, ये तो आदमी क्या है? फिर पेड़ से पूछा ये आदमी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वो पेड़ बोला तुम ज्यादा समय उनके पास मत रहो, नहीं तो तुमको भी पागल कर देगा। इसलिए भगवान जैसे गया वो अभी तक वापस नहीं आए बोल रहे, अच्छा क्योंकि फिर भगवान ने पेड़ से पूछा ये आदमी इनके लिए क्या है, जी दुखी क्यों होता है इतना, ये क्यों कठोर क्यों हो जाता है? वो बोले वो ऐसे आदमी ऐसे है, मैंने उनको घर भर फल दिया है, उनको संतुष्ट है क्या? पूछो आदमी। फिर भगवान ने आदमी से पूछा तुम घर भर इतना फल दिया है आम का, इतना होते हुए भी तुम क्यों रो रहे हैं, क्यों रोने के क्या कारण है? वो आदमी बोला तो आम दिया है, रेट का कौन कहाँ दिया है, रेट अच्छा नहीं दिया है, इसलिए मैं रेट रो रहा हूँ। ऐसे मतलब इच्छा कभी नहीं कभी इच्छाएं नहीं खत्म होता नहीं है, होती हैं। कुछ तो कुछ आदमी को चाहिए, जी वो जी कुछ तो कुछ करने का ये करते हैं। जी जी फिर ऐसे स्थिति में भगवान जो उनको के लिए सभी किया, भगवान ऐसे सृष्टि में ऐसे किया है, वो सृष्टि में कुछ खराब नहीं है, जी वो हम जो आदमी सब खराब करने लगे हैं जी सृष्टि को। अब जी पानी में दूसरा पानी बढ़िया दिया था भगवान ने, अब जी हमने उसमें कुछ ऐसे खराब किया पानी को, और हवा में खराब किया, और पहाड़ी जंगल में खराब किया है। जी फिर ऐसे गोबर का डाले हुए कितना जी स्मेल आते हैं, उसी जी में भगवान ने ऐसे सृष्टि किया है, उसी में एक फूल ऐसे आ जाता है, जी सुगंधित युक्त हो जाता सुगंधित है। हो बिल्कुल हमने नाक बंद करते हैं स्मेल से, जी ऐसे में एक फूल महा भगवान ने सृष्टि किया है, वो फूल इतना सुगंधित रहता है, जी ऐसे स्थिति ऐसे सृष्टि भगवान किया है। अब जी गाय गाय को हमने क्या देते हैं? अब जो हम खा के छोड़े हुए जी जो झूठा जूठा उसको और कुछ वैसे वैसे दे देते हैं, जी वो खा के वो क्या देते हैं हमको? अमृत तुल्य दूध देते दूध हैं। देती है ऐसे भगवान ने सृष्टि किया है, जी सृष्टि में कोई नहीं, दो फूल है, फूल जी अब ये है वो भी वो दो फूल से मकरंद लेके वो जी मध बनते हैं, जी मध वो जी मध हम ले लेते हैं, जी वो ऐसे सृष्टि जो किया है भगवान ने उसी में कुछ नहीं किया है, हमने सब खराब करके भगवान के ऊपर हमने सृष्टि, अब जब दुनिया ये बर्बाद होने लगे ऐसे जी वैसे हम बोलते, हमने खराब किया है। जी जी ऐसे सोचा तो भगवान का कोई ही नहीं है, जी भगवान जो सृष्टि किया है अब सभी प्राणी पक्षी सुख सुख से है, सुख फक्त से तो आदमी दुखी है, क्योंकि आदमी उनका दुखी खराब खराब करना ही उनका आदत है, जी इसलिए जी उनको सुखी सुख नहीं मिलता है, इसलिए सुख नहीं दुखी मिलता। है वो, जी जी इसलिए जी दुखी है। जी जी नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर प्रभु। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के।